हे प्रभु, प्रतिदिन इस सागर के तट पर नीलाचल में जगन्नाथ मंदिर की छाया में मैं सदा आपको ही देखने की आशा करता हूँ। अनाचार, अभिचार, भ्रष्टाचार, इन सब से मनुष्य अति पीड़ित है। हे प्रभु, हे नवदीप चंद्र, आप नीलाचल आ जाइए, आपका प्रेम ही मनुष्य को मुक्त करेगा। सैनिक आ रहे हैं। सैनिक, सैनिक, भागो, भागो, सैनिक, सैनिक, भागो। सबको पकड़ लो। अरे, राजा के सैनिक सबको पकड़ के लेके जा रहे हैं। हाय जगन्नाथ। नहीं, ये नहीं चलेगा। नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। जाओ महामंत्री के पास। हाँ चलो, महामंत्री के पास चलो, वहीं न्याय होगा। चलो चलो चलो। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हमें न्याय दो, ऐसा नहीं चलेगा, हमें न्याय दो, 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 ये क्या गड़बड़ हो रहा है? मैं देखा हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है। सेनापति, ये क्या कोलाहल हो रहा है सेनापति? वही तो मैं आपको बताने आया हूँ। महल के बाहर गली में ये सब जगह है, वे कहते हैं उन्हें न्याय चाहिए। न्याय चाहिए? क्यों? वे कहते हैं उन पर अत्याचार हो रहा है। राजा के सिपाही उन्हें पकड़कर कर्नाटक युद्ध में झोंक रहे हैं। पर अब तक यही तो होता आया है सेनापति। परंतु वे आज इसका विरोध कर रहे हैं। बेचारे, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें कोई उकसा रहा है। तुम उन्हें समझा कर कहो, ये राजा प्रताप रुद्र का आदेश है, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। जब राजा वापस आ जाए तो अवश्य इसका हल निकालेंगे। अगर उसके पहले ही वे विद्रोह कर दें? सेनापति, तब तो तुम्हें उनको कुचलना ही होगा। और हाँ, आवश्यकता पड़ने पर अपने हथियार भूल न जाना। राजनीति बड़ी कठोर होती है। हम युद्ध में नहीं जाएंगे, हम युद्ध में नहीं जाएंगे। महाराजा धीराज प्रजापति प्रताप रुद्र का आदेश है, युवा एवं अछूतों को युद्ध में जाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, हमें न्याय दो, हमें न्याय दो, हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय दो, हमें न्याय दो। ज्यादा बोलो मत, जाओ यहाँ से। नहीं, मारो मत, नहीं, हमें न्याय दो, 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 हरीश्चंद्र। चलो अंदर चलते हैं। अरे, अगर अछूतों पर अत्याचार हो रहा है तो हम इसके लिए उत्तरदायी नहीं हैं। राजा के हुक्म से ही सब कुछ होता है ना। सही कह रहे हो। यही बात हमें उन्हें समझानी होगी। उनका विद्रोह राजा के विरुद्ध है, हम तो केवल आग में घी डाल, और इसमें कोई बड़ी आग लग जाए तो वो तो लगेगी ही। अगर राजा को पता चल गया तो? जब सब कुछ मुझ पर छोड़ ही दिया है तो इस बात की चिंता भी मुझ पर ही छोड़ दो। एक बात है, बलीग्राम में उन लोगों के सरदार ने एक सभा बुलाई है। आप में से कोई जाकर पता करो ना। हमें अगर किसी ने पहचान लिया तो? तो फिर मुझे कुछ सोचने का समय दीजिए। अच्छा, अब आप लोग चलिए।
कौन सुनेगा तुम्हारी? तुम मनुष्य थोड़ी हो। क्या क्या मनुष्य नहीं है? नहीं नहीं नहीं, तुम मनुष्य नहीं हो। गाय घोड़ा बकरी इनको तो मनुष्य पालता है धोता है, पर तुम तो पानी के कीड़े हो, अशुद्ध हो। तुम्हारी छाया उन पर पड़ती है तो उनकी जात नष्ट होती है। और जब कभी लड़ाई होती है तब हमें बुलाते हैं। तब तो बुलाएंगे, तब तो उनको तुम्हारी जरूरत है। तुम ना हो तो जंगल कौन साफ करेगा? नालियां कौन खोदेगा? लाशें कौन उठाएगा? लड़ाई के समय गोला बारूद के सामने मरने कौन जाएगा? नहीं नहीं नहीं, हम नहीं मरेंगे, हम किसी की बात नहीं मानेंगे। जैसा भी हो हम अपने आप को बचाएंगे। कौन बचाएगा हमें? कौन है हमारा? हमारा राजा नहीं, देश नहीं, जगन्नाथ भी नहीं। नहीं 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 सरदार, ऐसा मत कहो। कोई हो ना हो, जगन्नाथ तो है। मनुष्य पर क्रोधित होकर भगवान को दोष मत दो। सब गलत बात है, तुम्हारा हम कोई बात नहीं सुनेंगे। नहीं, 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 हमारी बात नहीं मानेंगे। तुम राजा के गुप्तचर हो। मैं जिस राजा का गुप्तचर हूँ उन्हें तो आपने अभी तक देखा भी नहीं। उनके पास ना शस्त्र है ना ही सेना। उनके समक्ष कोई छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, ब्राह्मण चंडाल, हिंदू मुसलमान, कोई भेद नहीं है। जितना दुख जितनी पीड़ा मनुष्य ने मनुष्य को दी है वह सब उन्होंने अपने ऊपर लेकर आंसुओं में भर अपनी आंखों से बहा दी है। वह कहते हैं तुम सब एक दूसरे से प्रेम करो, बस प्रेम करो। कोई पूजा नहीं, पोथी नहीं, मंदिर नहीं, देवता नहीं, केवल मनुष्य से प्रेम करो। यही होगी जगन्नाथ की असली पूजा। जगन्नाथ अभी देवदासियों के गीत संगीत की निद्रा में है, इसलिए मेरे राजा आ रहे हैं उन्हें एक अलग नृत्य अलग गीत सुनाकर जगाने के लिए। मुझे पता है वो आ रहे हैं, मुझे दिख रहा है उनका वो मदन मोहन रूप। हिंसा में लिप्त बंगाल और उड़ीसा के लोगों को असली शांति प्रदान करने के लिए वो दौड़े दौड़े आ रहे हैं। मैं सुन सकता हूँ उनके चरणों की ध्वनि, उनका आर्द्र कंठ स्वर। जगन्नाथ स्वामी नायना पथ गामी भवतु मे। भुजे सव्य वेणुं शिरसि शिखीपच्छं कटितटे तुकूलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधते। सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे। महाम्बोधे स्थिर कनक रुचिर नील शिखरे वसन प्रासादांत सहज बलभद्रे न बलिना। सुभद्रा मध्यस्त सकल सुर सेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे। न वैयाचे राज्यम न च कनिक मानिक विभववम् न याचे अहम रम्याम सकल जन काम्याम वरवधुम्। सदा काले काले प्रमथ पतिना कीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे। हर त्वं संसारं धृततरमासारं सुरपते, हर त्वं पापानां विततिमपरां यादवपते। अहो दीने नाथे
निहित चरणो निश्चितम इदम् जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे। शांत हो, ये जबरदस्ती घुस गया। मुझे आपकी सामग्री खराब कर दी। जगन्नाथ महाप्रभु को इसने स्पर्श किया। बदमाश कहीं का। रहने दो, ये तो बेहोश हो गया। सुनो, डंडा रख दो और इसे इसी क्षण उठाकर मेरे घर पहुंचा दो। सुनिए, आपने हमारे भगवान को यहाँ से जाते हुए देखा है? भगवान? कौन भगवान? अरे मनुष्य रूपी भगवान। मनुष्य भगवान देखने में कैसे हैं? कैसे दिखते हैं? कैसे बताएं आपको कैसे दिखते हैं? उस पागल को देखने पर पलकें थम जाती हैं। पागल? हाँ। दिमाग खराब है? अरे इतना ही नहीं, उसने तो हम सब का दिमाग खराब कर दिया है। ऐसा ही लगता है। अरे चलो चलो आगे चलते हैं। उड़ीसा का बुरा वक्त आ गया है। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। गोपीनाथ, तुम आज फिर तुम्हारे दर्शन हुए। तो कब से आपकी राह देख रहा था प्रभु। इस समय आप इनके घर पे हैं। ये है महाराज प्रताप रुद्र के सभा पंडित श्री सार्वभौम भट्टाचार्य। भगवान सार्वभौम पूरे भारत में विख्यात। मैं आपका तुच्छ दास हूँ, मूर्ख अधम हूँ। साधु साधु, बहुत बढ़िया। देख रहा हूँ युवा सन्यासी होने का गर्व तुम्हें जरा भी छू नहीं पाया। बढ़िया। जय महाप्रभु। प्रभु आप यहाँ और हम लोग। नित्यानंद, मुकुंदो, जगदानंद, इन्हें प्रणाम करो। परम महापंडित सार्वभौम भट्टाचार्य, इनकी कृपा से ही मुझे यहाँ आश्रय मिला है। आप क्या इन लोगों के संग आए हैं? जी नहीं, हम इनके संग आए हैं और इन्हीं के संग रहेंगे। हाँ हाँ, अभी आप सब यही रहिए। और गोपीनाथ को तो आपसे पहचानते ही हैं। नवदीप में हम साथ पढ़ते थे। गोपीनाथ मेरी बहन के पति हैं, वे ही आपकी सेवा में रहेंगे। नित्यानंद, कितना अच्छा हुआ इन्होंने हम पे कृपा की। बस बस, और तंग मत करिए। कितना थका दिया आपने। भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अभी सच मेरे मुख से बाहर आ जाएगा। क्या सच? मैं कहता हूँ, उस महापुरुष ने आपको शरण दी है या आपने उस महापुरुष को शरण दी है? यहाँ क्या है? क्या यहाँ? अंदर चलो। क्या कहते हो, वी तो सन्यासी हैं। सन्यासी? मैं अमोघ तर्क विशेषज्ञ सार्वभौम भट्टाचार्य जी का दामाद। तुम मुझे सन्यासी से डराती हो। अगर वे सन्यासी है तो मैं भी सन्यासी। हाँ, तुम्हें छोड़कर और कोई थोड़ी सन्यासी है। मुझसे तो तुमने वैसे ही शादी कर ली। देखो क्या बात कर दी। अरे मैं तो श्रेष्ठ कुल का हूँ, ये शादी तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है और तुम सिर्फ यही देख रही हो। असल में मैं एक अबला नारी के धर्म की रक्षा कर रहा हूँ। पर सन्यासी का घर थोड़े ही। घर? मेरा भी घर कहाँ है? अच्छा ऐसा है। वही तो कहता हूँ, आज यहाँ कल वहाँ। मैं तो सिर्फ भ्रमण कर रहा हूँ, सिर्फ घूमता ही रहता हूँ। ओह, तो फिर ये भगवा कपड़ा भी पहन लो। भगवा? ना ना ना, ये बेकार के कपड़े मैं नहीं पहन सकता। पागल बनकर भगवा पहनकर किसी के घर में जबरदस्ती घुस जाना। नहीं नहीं, भगाओ ऐसे सन्यासियों को यहाँ से। छी छी छी, ऐसी बात मत बोलो जी, वे तो महापुरुष हैं। सर्वनाश, तुम घर में रहने वाली विवाहिता हो, मैं तुम्हारा स्वामी, तुम्हारा एकमात्र देवता हूँ।
और तुम दूसरे पुरुष को प्रणाम करती हो। ससुर जी को कहकर अभी इन सबको यहाँ से शीघ्र भगाओ, अभी भगाओ। क्या कहते हो, तुम पान खाओ। ऐसी की तैसी तुम्हारे पान की। अच्छा तुम नहीं कह सकती तो मैं ही जाकर कहता हूँ। मैं क्या डरता हूँ तुम्हारे पिता से? डरता थोड़ी हूँ मैं। सुनिए सुनिए, मैं आपको ढूंढ रहा था। क्यों? उन पागलों को तुरंत घर से निकाल दीजिए। अरे उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे अंदर का मामला बड़ा संगीन है, आप ये सब नहीं समझ सकते, आप बूढ़े हो गए ना। अमोघ, वे मेरे अतिथि हैं। मैं आपका दामाद। अच्छा आप नहीं कह सकते तो मैं ही कह देता हूँ। मूर्ख कहीं का। सुनिए, मुझे पहचानते हो? पहचानते नहीं? मैं अमोघ तर्क शास्त्री, सार्वभौम जी का दामाद, कश्यप गोत्र, निवास पूर्व बंगाल। ओहो इतना ही नहीं, मैं महामंत्री हूँ। महामंत्री जैसा हूँ जी। समझ गया। समझ गया? कुछ नहीं समझे, भविष्य में मुझसे जरा संभल कर रहना। नहीं नहीं बहन, मेरी तो किस्मत ही खोटी है। धन मान प्रतिष्ठा विद्या सब कुछ प्राप्त हो जाता है, लेकिन आंतरिक शांति मिलना बड़ा कठिन है। क्यों भैया, क्या हुआ? इस अमोघ को ही देखो, उसे अपना दामाद कहते हुए मुझे शर्म आती है। गोपीनाथ पर तो मुझे भरोसा था, लेकिन उसका मन भी पता नहीं। अरे गोपीनाथ, कहाँ रहते हो तुम? महाप्रभु आरती देखना चाहते हैं, उसी की व्यवस्था कर रहा था। महाप्रभु महाप्रभु, मुझे तो ये समझ नहीं आता तुम लोगों उन्हें महाप्रभु महाप्रभु क्यों बोलते हो। मुझे तो लगता है वे किसी मानसिक रोग से ग्रस्त हैं। नहीं, मानसिक रोग नहीं, महाभाव है। महाभाव? जिसे अद्वैत का ज्ञान नहीं उसे महाभाव कहां से आएगा? उसे तो वेदांत का कुछ भी ज्ञान नहीं। मुझे तो लगता है वे मानसिक रूप से पीड़ित एक असहाय बालक है। मुझे लगता है आपका सिद्धांत ठीक नहीं है। क्यों? हे कृष्ण हे चापला हे करुणायिका सिंधु हे नाथ रमन हे नयन धीरा पदानुभवी पद दृश्वर में। वही प्रेम, वही कृष्ण विरह में व्याकुल चित, नारदीय पुराण में वर्णित अवतार के सभी लक्षण मिलते हैं। तूने मुझे छू लिया? मैंने आपको कब छुआ? देखा महंत, क्यों बे? इतनी हिम्मत तेरी? एक चोरी ऊपर से सीना चोरी, तेरी छाया ने मेरे शरीर को छुआ कि नहीं छुआ? मेरी छाया? हाँ तेरी छाया। लीजिए मैं हट जाता हूँ। हट जाता हूँ? मेरी पूजा तूने नष्ट कर दी। मैंने कुछ नहीं किया, क्यों आप झूठ मूठ? झूठ मूठ? चल हट। क्या करती क्या करती हो ब्राह्मण? ब्राह्मण का हाथ तो आघात के लिए नहीं बना, आशीर्वाद के लिए है। ये कौन? वही जिसे सार्वभौम भट्टाचार्य मंदिर से उठा कर ले गए थे। वही पागल? हाँ पागल ही मैं हो गया हूँ। वो पागलपन घर पर जाकर करो। नीच जाति के लोग यदि ब्राह्मण को छुए तो? कौन अछूत, कौन ब्राह्मण? भगवान ने मनुष्य को बनाया है और मनुष्य ने ऊंची नीची जातियां बना दी। अछूत ब्राह्मण चंडाल, भगवान के समक्ष ना कोई ब्राह्मण है ना चंडाल, सभी बराबर है, कोई भेदभाव नहीं है। अच्छा सभी समान है, क्या ये यौवन देश है? नहीं, ये जगन्नाथ जी का क्षेत्र है। यही स्थापना होगी मनुष्य से मनुष्य के प्रेम की। यहाँ दिव्य जगन्नाथ जी का मंदिर है, क्या ये कभी अपवित्र हो सकता है? आओ मेरे भाई बोलो हरि बोल। हरि बोल। हरि
हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। सखी ये सन्यासी कौन है तुम जानती हो? सुना है नदिया से आए हैं। ओह कितना क्यों गई? बस यूं ही। आज बड़ी आनंद में दिख रही हो चंद्रावली। आज मंदिर के पास तुमने कोई सन्यासी को देखा क्या? देखा है। अमोघ ने समाचार दिया कि वो अछूतों को अपने साथ जोड़ रहा है। पता नहीं। दिखने में कैसा है? देखा, ठीक से देख नहीं पाई। मतलब? अच्छा, मतलब देखकर तृप्ति नहीं हुई। गोपाल गोविंद मुकुंद शाह।
गोपीनाथ। मुझे बुलाया आपने? हाँ, तुम्हें एक बात कहनी थी। मुझे लगता है तुम्हारे उस सन्यासी को अभी तक शास्त्र का ज्ञान नहीं हुआ। आपको ऐसा क्यों लगता है? जब भी मैं देखता हूं तुम लोग केवल भाव में नाच गान में लगे हुए रहते हो, परंतु किसी सन्यासी के लिए नाचना गाना अपराध है एवं शास्त्र विरुद्ध है। पर श्रीमद् भागवत तो कहती है यज्ञ संकीर्तन प्रायः। ओह, तुम लोगों ने भागवत के मर्म को जाना ही नहीं। शास्त्र को कभी तुमने सही ढंग से पढ़ा ही कहां है। इसलिए कहता हूं कि तुम लोगों को मेरी पाठशाला में कुछ दिन अध्ययन करना चाहिए, शास्त्रों का गूढ़ चिंतन करना चाहिए। गोपीनाथ, शास्त्रों के अनुसार चलना सीखो। देखो, केवल भगवा वस्त्र पहनने से वैराग्य नहीं होता, भोग वस्तुओं में अनासक्ति होनी चाहिए, समझे? अनासक्ति होगी कैसे? भगवा पहनकर मजे से खा पी रहे हैं, हाथ उठाकर हरी हरी चिल्लाकर उछलते रहते हैं। अरे क्या करते हो, पश्चिम की ओर मुख करके कोई दांत साफ करता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? सर्वनाश होगा। क्यों? असत व्यवहार से सर्वनाश होगा। ये असत व्यवहार थोड़ी है। ये असत व्यवहार नहीं है, है? अगर आचार्य ने देखा तो खैर नहीं, पर ये असत व्यवहार है, इसका प्रमाण क्या है? ये समझना है तो बहुत कुछ समझना पड़ेगा। प्रमाण नौ होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, अतीत। अरे रहने दे रहने दे, आगे मत बता। प्रमाण नौ नहीं, प्रमाण दस होते हैं। मूर्ख। क्या कहा? मूर्ख। तू मूर्ख है। श्रुति ग्रंथ बताता है। हटाओ श्रुति ग्रंथ, वह क्या कोई ग्रंथ है? श्रुति तत्व कोई ग्रंथ नहीं है। नहीं। अरे अरे छोड़ो छोड़ो, खुद अरे इतनी प्रसन्नता से क्या देख रहे हो? शास्त्र युक्त आचरण। देखो देखो और सीखो, कुछ जानते थोड़ी हो। इतना सज धज कर कहाँ जा रहे हो? महाप्रभु के संग मंदिर में जाना है। बस महाप्रभु, आप तो बस मंदिर और हरिबोल ही करते हैं, नीलांचल में कुछ देखा कि नहीं? चलिए आपको आज दिखा दूं। लेकिन ना ना, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। चलो ना, चलो 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 ना, दिखाता हूँ, डरने की क्या बात है। अरे डरिए मत, आइए आइए। अरे जब तक मैं हूँ डरने की कोई बात है ही नहीं, आइए 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 आइए। यही है वे सन्यासी के वरिष्ठ पंडित। अरे प्रणाम करिए, महामंत्री जी हैं। मेरा सौभाग्य है। इन्हें मैं घुमा फिरा के ले आया। तुम्हारे प्रभु के विषय में सुनकर उन्हें जानने की जिज्ञासा बढ़ रही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जिज्ञासा अधिक ना हो जाए। और अगर हो गई तो मंत्री जी संभल नहीं पाएंगे आप। क्या उठपटांग उठपटांग, पूरे पागल हैं आप, उल्टा पुल्टा कहते हैं। तुम्हारे प्रभु क्या यहाँ तीर्थ यात्रा के लिए आए हैं? वे जहाँ रहते हैं वही तीर्थ है। ऐसी बात है? हाँ जी, वे यहाँ आए हैं हरि नाम बांटने। अरे बेकार, कोई काम धंधा है नहीं, बस दिन रात खाते हैं और हरि बोल करते हैं। तुम्हारे प्रभु क्या अछूतों को भी हरि नाम देने आए हैं? जी,
उन्हें तो हरि नाम की सबसे ज्यादा जरूरत है। पर अछूतों की तो मुझे भी आवश्यकता है, युद्ध में राज्य संचालन के लिए। पर तुम लोगों को देखकर यदि वो भी रात दिन हरिनाम लेने लगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अपने प्रभु से कहो अपनी मंडली लें और वापस चले जाएं। इसी को कहते हैं महामंत्री। एक अच्छी बात बताता हूं, यदि उनकी बात नहीं सुनोगे तो सीधे सूली पर चढ़ना होगा। याद रखिएगा। हटो हटो, रास्ता छोड़ो। शुद्ध होकर जगन्नाथ की पूजा करना भी इन भिखारियों के कारण असंभव हो गया है। हट हट हट। अरे हटो हटो, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। अरे हम लोग तो सन्यासी हैं, पैसे कहां से लाएं? नित्यानंद, मनुष्य के मुख से वे ही मांग रहे हैं, मनुष्य के हाथ से वे ही भिक्षा देंगे। कृष्ण तुम्हारा मंगल करे। जय महाप्रभु, जय जगन्नाथ, जय महाप्रभु, जय जगन्नाथ, जय महाप्रभु, जय जगन्नाथ। आप उसे अपने घर से बाहर निकाल दीजिए, नहीं तो हम महामंत्री के पास जाएंगे। धैर्य रखिए, आज वो मंदिर से आ जाए तो मैं उसे उपदेश देकर समझाता हूँ और इस कार्य से हटाने की कोशिश करता हूँ। मैं उसे और व्यवस्था नहीं बिगाड़ने दूंगा। तुम्हारा वो सन्यासी केवल चतुर ही नहीं, जादूगर भी है। उसकी प्रगति को रोकना ही होगा, सारे अछूत उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। इससे आपको क्या आपत्ति है? अरे जिन अछूतों को भड़काकर मैं राजा के विरुद्ध आंदोलन करना चाहता था, उस सन्यासी ने उन्हें शांत कर मेरी सिंहासन की मनोकामनाओं को विफल कर दिया। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। लेकिन वह तो... सुनो, मुझे उस सन्यासी का पर्दाफाश करना होगा। मैं उसका असली रूप सबको दिखा दूंगा। वह क्या? चंद्रावली, ये काम तो सिर्फ तुम ही कर सकती हो। मैं क्या कर सकती हूँ? तुम ही कर सकती हो। तुम उस सन्यासी को अपने घर में इस कमरे में ले आओ। मालती सुन, वह सन्यासी रोज मंदिर में आता है ना? हाँ। चल फिर मंदिर चलते हैं। क्यों? महामंत्री का आदेश है ना? मैंने सब सुना है, पर सखी ये तो आग से खेलना हुआ, जलकर मर जाओगी। उस जलने में भी सुख है। मन मंदिर में एक बार तो आ जाओ गिरधारी मे।
है दूर भगा दो। मैं सब विधि शरण तिहारी प्यारे आ जाओ गिरधारी मेरे मन मंदिर में एक बार तो आ जाओ गिरधारी ठाकुर, ओ ठाकुर। मैं अवधूत हूँ। ओ अद्भुत। नहीं नहीं अद्भुत नहीं अवधूत। एक ही बात है। प्रणाम। हमारी देवदासी आपके महाप्रभु से एक बार मिलना चाहती है। ओह अच्छा, तो अपनी देवदासी से कह दीजिए कि हमारे महाप्रभु सन्यासी हैं, वे नारी का मुंह नहीं देखते, ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता था। आज्ञा करिए। तुम अछूत सबर जातियों से मिलकर उन्हें भड़का क्यों रहे हो? ऊंची नीची सभी जातियों को मिलाकर एक कर रहे हो, ये तो शास्त्र विरुद्ध है। और तुम स्वयं सन्यासी होकर सड़क पर नाचते गाते रहते हो, ये तो सन्यास धर्म का अपमान है, शास्त्रों का अपमान है। शास्त्र ग्रंथ जो थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा था सब नवदीप की गंगा में विसर्जित कर दिया। तुम शास्त्रों को छोड़कर नृत्य गायन करते हो? गीत मैं नहीं गाता, मुझसे कोई गवाता है। मेरे सारे देह में जैसे जैसे। ओ, वो तो तुम्हें वायु का दोष है। सन्यासी का मुख्य कर्तव्य क्या है जानते हो? वेद वेदांत का अध्ययन करना। तुमने वेदांत पढ़ा है? मैं तुम्हें वेदांत पढ़ाऊंगा। तुम्हारी विनम्रता तुम्हारी दीनता देखकर मैं अति प्रसन्न हूं। देखना वेदांत का ज्ञान होते ही ये सब पागलपन अपने आप समाप्त हो जाएगा। गोपीनाथ अध्ययन प्रारंभ करने की तिथि निर्धारित करो। प्रभु अब आप कौन सी नई लीला रचने जा रहे हैं? क्या कह रही हो नित्यानंद? भले मानस की तरह नवदीप में तो आपने बहुत अध्ययन किया और करवाया, और अब सब कुछ भूल भी गए। क्या भूल गया? शास्त्र वेद संसार नवदीप। जो बाहर था उसके सार को मैंने भीतर समेट लिया है। भूलना मेरे बस में नहीं नित्यानंद। मैं क्या किसी को भूल सकता हूं? मैं कभी किसी को नहीं भूल सकता। ओहो, ये क्या बड़ी चुप चुप बैठी हो, आखिर हुआ क्या है तुम्हें? कुछ भी तो नहीं। आहा, व्याकुल है राधा कृष्ण के लिए। समझ गई, दर्शन नहीं हुए इसलिए। देवी यह चिट्ठी आई है।
महामंत्री जी ने भेजी है। तुम पढ़ो मालती। चंद्रावली, मंदिर में हजारों लोगों के मध्य वांछाएं पूर्ण नहीं होती। काव्य कहते हैं ऐसी अभिलाषाएं रात को पूरी होती हैं। धन्यवाद महामंत्री, जैसी आपकी आज्ञा। तुम जाओगी? अवश्य जाऊंगी। किंतु वे कोई साधारण सन्यासी थोड़ी हैं, सभी के महाप्रभु हैं। मैं भी जगन्नाथ की सेविका हूँ। लोग कहते हैं मन मोहिनी हूँ। कौन? ओ, श्रीमती जी। मैं कृष्ण दासी। ये तो कृष्ण सखा का सौभाग्य है। मुझे धन्य करो, कृष्ण दर्शन करा दो, सिर्फ एक बार। सिर्फ एक बार? इसका मतलब तुम श्रीमती नहीं हो। मैं कुब्जा हूँ, नित्य विरहिणी हूँ, नित्य राह तकती हूँ। श्रीमती सदा साथ रहे, मैं सिर्फ एक बार मिलना चाहती हूँ। सिर्फ एक बार? पर तुम जानती हो कृष्ण कुब्जा के पास स्वयं गए थे। मेरा ऐसा सौभाग्य कहाँ। होगा होगा, सही समय आने दो। कुब्जा की तरह अपने कुंज में बैठकर अनन्य भाव से उन्हें पुकारो, वे आएंगे। यहाँ मत आओ। सन्यासी, एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। आदेश दीजिए। आज 7 दिन हो गए हैं तुम मुझसे निरंतर शास्त्र श्रवण कर रहे हो, पर इस बीच तुमने एक भी प्रश्न नहीं पूछा। महामौनी की तरह शांत बैठे हो, इसका क्या कारण है? एकाग्र मन से सुन रहा था। बहुत अच्छा, पर मैंने जो व्याख्या की है वह तुम्हें कितनी समझ आई है? मैंने जो पढ़ाया है तुम कितना पकड़ पाए हो, ये मेरे लिए जानना आवश्यक है। हमारे समक्ष ऐसी व्याख्या? अपूर्व व्याख्या, ऐसा पहले नहीं सुना। वेदांत की जटिलताएं आपकी व्याख्या से सब सहज हो गई गुरुदेव। नवीन सन्यासी, तुम्हारा भी यही मत है? नहीं। नहीं, क्यों? आपकी वेदांत व्याख्या मुझे कुछ भी समझ नहीं आई। कुछ भी समझ नहीं आया? मूर्ख, गलत है आपकी व्याख्या। गलत है? मेरी व्याख्या गलत है? जानते हो किससे बात कर रहे हो? सार्वभौम भट्टाचार्य ने सारे भारत को वेदांत की शिक्षा दी है। गलत शिक्षा दी है सार्वभौम, वेदांत का सार तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आया। इतनी हिम्मत तुम्हारी? तुम मुझे मेरे नाम से बुलाते हो? तुम मायावादी हो, इसलिए तुमने वेदांत की अपभ्रंश व्याख्या करके स्वयं ईश्वर को ही अस्वीकार कर दिया। क्या तुमने सुना नहीं, ब्रह्म संहिता कहती है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। क्या तुमने सुना नहीं, सर्वतः पाणी पादं तत् सर्वतो शीशिरे मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वही मेरे आराध्य श्री कृष्ण है, उनके गुणों की व्याख्या सबके सामने कही नहीं जा सकती। क्या तुमने सुना नहीं आत्माराम मुनियों की कथा,
आत्म रामाश्च मुनियो निर्ग्रंथ अपि उरुक्रमे कुर्वन्त अहेतुकिं भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरि। केवल तर्क से उनकी प्रतिष्ठा नहीं होती सार्वभौम, उनसे प्रेम करो, वे अपने आप हृदय में आ जाएंगे। तब यह अनुभव होता है कि वे वास्तविक वस्तु से भी अधिक वास्तविक हैं, सर्व माधुर्य के सार हैं, परम सत्य हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। सार्वभौम ठाकुर के साथ तर्क में हमारे महाप्रभु ने उनकी गलतियां सुधार दी। सच में? हाँ। क्या उन्होंने अपनी गलती मान ली? खुद ही देख लो। सार्वभौम ठाकुर, इतनी चिंता मत करिए, बस दोनों हाथ उठाकर हरी हरी बोलिए, नाचिए गाइए, देखिएगा सारे संशय दूर हो जाएंगे। मैं क्या कोई हंसी का पात्र हूँ? बेकार कहेंगे। गोपीनाथ, 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 मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, इन महाप्रभु को यहाँ से लेकर चले जाओ, मुझे इन सबसे बचाओ। मैं तो उन्हें यहाँ नहीं लाया हूँ, आप लाए हैं, और इस घर के स्वामी भी तो आप हैं, आप ही उन्हें जाने को कह दीजिए। ठीक है, मैं ही कह देता हूँ, उन्हें यहाँ आश्रय देकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आप परेशान ना हो, मैंने कह दिया है। क्या कहा? मुझे पता है आपको कहने में शर्म आएगी, मैंने कह दिया, यदि कल सुबह तक घर खाली नहीं किया तो डंडा मार मार कर भगा देंगे। अमोक, ना ना, मैंने आपकी तरफ से ही कहा है। तुम अभी मेरे घर से चले जाओ। मैं? हाँ तुम, मैं समझूंगा कि मेरी बेटी विधवा है। क्या? हाँ। अच्छा, जाओ। भैया, ये सब तुम क्या कह रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ, ये युग धर्म है, युग धर्म, अब यहाँ सनातन धर्म नहीं चलेगा। इसलिए दिग्विजयी सार्वभौम भट्टाचार्य को कोई शास्त्र ज्ञान थोड़ी है, उसकी व्याख्या गलत है, बुद्धि भ्रष्ट है, उसका युग युग का ज्ञान सब गलत है, सब गलत गलत है। साधु ज्ञान विफला प्रेम बिना ज्ञान विफल साधु प्रेम बिना गहना भाए न मन को त्वर्ण बिना ज्ञान विफल साधु विफल जानम हरि नाम बिना विफल जानम हरि नाम बिना नाम बिना कान्हा नाम बिना नाम बिना प्यारे नाम बिना विफल जनम जल बिना मछली जैसे रह नहीं पाती
जाला बिना मछली जैसे रह नहीं पाती, चंदा बिन जैसे चको रह नहीं पाता, रह नहीं पाता, धन विफल जैसे दान बिना, पुत्र विफल जैसे ज्ञान बिना, विफल जानम हरि नाम बिना, नाम बिना प्यारे नाम बिना, नाम बिना प्यारे नाम बिना, विफल जनम। भैया आज आप पूजा में भी नहीं बैठे, कुछ खाया भी नहीं, रात बहुत हो गई है। रात हो गई? हाँ। जाओ तुम खा लो। देखो कैसे टूट गए हैं। आज पूरा दिन भूखे भी रहे। ऐसा क्या? ये तो बड़ी गंभीर बात है, मैं कल सुबह ही महाप्रभु को बताता हूँ। तुम मायावादी हो, इसलिए तुमने वेदांत की अपभ्रंश व्याख्या करके स्वयं ईश्वर को ही अस्वीकार कर दिया। वही प्रेम, वही कृष्ण विरह में व्याकुल चित, नारदीय पुराण में वर्णित अवतार के सभी लक्षण मिलते हैं। वर्णो वर्णो ये मांगो वरांग चंदनांग जी, कन्या सकृच्छम शांतो निष्ठा शांति परायण, रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ईश्वरः परमति सिद्धः अनादिरादि गोविन्दः सर्वकारणकारणम्। सार्वभौम,
कल पूरी रात तुम भूखे रहे, इसलिए सुबह मंदिर गया था। तुम्हारे लिए प्रसाद लाया हूँ, खाओ। मैं खाऊं? हाँ, लेकिन अभी तो मैंने शैया त्यागी है, कोई नित्य कर्म पूजा भी नहीं की, मैं तो महापापी हूं। तुम्हारे सारे पाप मैंने ग्रहण कर लिए। लेकिन मेरे कर्म, मेरी विधि नियम मुझे दे दो। मेरा सब कुछ तुमने छीन लिया। सब कुछ जब तक ना मिले मुझे तृप्ति नहीं होती सार्वभौम, ग्रहण करो। मेरी विद्या, बुद्धि, यश, नाम सब कुछ आपको अर्पण है। आप ही मेरे इष्ट मंत्र हैं, आप मेरे ध्यान के देव हैं। तुम भी तो मेरे सार्वभौम हो, तुम्हारे लिए ही मैं नीलाचल में आया हूँ। मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। सर्व शास्त्रों से, सर्व विद्या से, सर्व बुद्धि से उत्कृष्ट कृष्ण प्रेम भक्ति है, ये तुम ही तो सिद्ध करोगे। अब अपनी बातों में मुझे और ना उलझाइए। जब आपने सब कुछ ही छीन लिया तो ये बताइए, मेरी गति क्या होगी, कैसे मिलेगी मुक्ति? जैसे सबको मिलेगी वैसे ही तुम्हें भी। नाम, हरिर नाम एव केवलम, हरिर नाम एव केवलम, हरिर नाम एव केवलम। हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, गोविंद बोल, गोविंद बोल, गोविंद बोल, गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। अरे आओ आओ, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, सारे बंधन तोड़ दो। महाप्रभु स्वयं नाम दे रहे हैं, बोलो हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, गोविंद बोल, गोविंद बोल, गोविंद बोल, गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव। अरे ये तो सार्वभौम भट्टाचार्य है ना? बड़ा अनर्थ है, राजा देश में नहीं है। राजा नहीं तो क्या, महामंत्री तो है। ठीक कहा, चलो हम सब उनके पास चलते हैं। चलो चलो चलो। हरे हरे बोल, हरे 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 बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। सब कुछ तो सुना है मैंने, पर मैं क्या कर सकता हूँ, आप ही बताएं। आप राज्य के प्रधानमंत्री, यदि सार्वभौम उस पागल के संग अछूतों को लेकर नृत्य कीर्तन करेंगे, ब्राह्मण चंडाल सब एक हो जाएंगे, तो हमारी इज्जत का क्या होगा, बतलाइए ना। वे तो सभा पंडित हैं जो समाज के नियम बनाते हैं। हाँ वही तो, इसमें मैं क्या करूं, सार्वभौम तो राजा के पूजनी हैं, उनका न्याय तो राजा ही आके करेंगे। लेकिन अगर आपने कुछ नहीं किया तो धर्म कर्म सब कुछ पाताल में चला जाएगा। मैंने गणना की है कि शनि एवं राहु की दृष्टि है, यहाँ पर स्थिति गंभीर है। सामाजिक आंदोलन है ये, ब्राह्मण पंडितों को अब कोई नहीं मानेगा। हाँ, यहाँ राजा नहीं है, आप ही उनके प्रतिनिधि हैं। इससे पहले कि यह आग जंगल की आग बन जाए, आप उसे बुझा डालिए, अन्यथा निनाजा का सर्वनाश हो जाएगा। अब आप कह रहे हैं तो राज्य के मंगल के लिए और समाज के कल्याण के लिए इस आंदोलन को यही दबा देना चाहिए। दबाइए मत, कुचल डालिए। वही करिए, वही करिए, देर मत करिए, देर मत करिए। ठीक है, जब आप सबकी यही इच्छा है
तो राज्य के मंगल हेतु राजा के सभी कार्य मुझे ही करने होंगे। प्रभु, महामंत्री गोविंद विद्याधर ने यह पत्र भेजा है और कहा है कि नीलांचल में कोई नाम कीर्तन नहीं कर सकता। मैं अभी जाकर उनसे मिलकर आता हूं। नित्यानंद, नाम कीर्तन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। इन बाधाओं को तोड़ना ही मेरा काम है। तुम आयोजन करो, मैं नगर कीर्तन में जाऊंगा। सेनापति, सन्यासी को बंदी बनाकर देवदासी घर ले आओ, जाओ। आइए आइए सार्वभौम ठाकुर, बैठिए। मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। मैं कुछ कर नहीं सकता, ये राजा का आदेश है, कीर्तन रोकना होगा। मैंने पहले ही बताया था। ये देखिए, कर्नाटक युद्ध क्षेत्र से राजा का आदेश पत्र आया है। महाराज प्रताप रुद्र ने आदेश दिया है। हाँ हाँ सार्वभौम ठाकुर, महाराज ने कहा है। उन्होंने कहा है राज्य के विद्रोहियों को राज्य से बाहर निकाल दो। महाराज प्रताप रुद्र तो प्रजाप्रेमी हैं, परम धार्मिक हैं। उन्होंने धर्म को रोकने का आदेश दिया है। ठीक है, वो युद्ध से वापस आ जाएं और स्वयं इस बात का न्याय करें। अगर मैं कहूं वो वापस नहीं आएंगे तो? नहीं आएंगे? भगवान के मन में क्या है कौन जानता है। हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल बिंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। गोपाल बिंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। हरिहराय नमः, यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय। आप लोग इस तरह नृत्य कीर्तन नहीं कर सकते, महामंत्री का आदेश है। कीर्तन रोकने का आदेश हम तो मानेंगे नहीं सेनापति। फिर तो मुझे सबको बंदी बनाना होगा। बंदी बनाओगे? बनाओ भाई, बस एक बार बोलो हरि बोल, 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 सेनापति। हार के वापस आते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? अगर इतने लोगों को बंदी बनाएंगे तो समस्त नीलांचल को कारागार बनाना होगा। वही करो, पूरे नीलांचल के घर को कारागार बना दो। जाओ कल सुबह सबसे पहले उस पाखंडी सन्यासी को पकड़ के लाओ। Thank you.
मुझे नीलाचल में रहने की और आवश्यकता नहीं है नित्यानंद। वो क्यों प्रभु? आज पूरा नीलाचल हरिनाम में डूब गया है, कण कण से हरिनाम की गूंज उठ रही है। लेकिन अगर राज्य शक्ति इसमें बड़ी बाधा उत्पन्न करे तो? जनशक्ति जहां एकनिष्ठ होती है वहां राज शक्ति उसे रोक नहीं सकती। यह बाधा जितनी बढ़ेगी नाम कीर्तन का रोग उतना ही बढ़ेगा। नाम से ही प्राप्त होगी विजय, इसी से होगा असली कल्याण। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु, आप इतनी रात को? मैं आप ही के बारे में सोच रहा था। इसीलिए तो जाने से पहले तुमसे मिलने आया हूं। जा रहे हैं? मैं दक्षिण भारत की यात्रा में जाऊंगा। भारत के हर नगर हर घर में पहुंचाना होगा ये हरि नाम। पर आप चले जाएंगे तो नीलांचल का क्या होगा? तुम हो ना मेरे प्रतिनिधि यहाँ। आज नीलांचल में जो ये धार्मिक आंदोलन हो रहा है, तुम उसे उड़ीसा के घर घर में पहुंचा देना। उड़ीसा में इस धारा को तुम ही बहाओगे। अब मुझे आज्ञा दो सार्वभौम। माधव बहुत विनती करूं तुसे, माधव बहुत विनती करूं तुसे, इस जीवन को पार लगाओ, कृपा दृष्टि लाओ इस ओर माधव, कृपा दृष्टि लाओ इस ओर माधव, बहुत विनती करूं तुसे, माधव बहुत विनती करूं तुसे। जान हो तुम जाओ शुद्ध भवन में, प्रेम के घर में वृंदावन में, गोपी ना सही गुब जा मैं भई, गोपी ना सही गुब जा मैं भई, बाट लगा रही आ जाओ माधव, बाट लगा रही आ जाओ माधव। माधव बहुत विनती करूं तुसे, माधव बहुत विनती करूं तुसे, इस जीवन को पार लगाओ माधव, मेरे माधव, इस जीवन को पार लगाओ, कृपा दृष्टि लाओ इस ओर माधव, कृपा दृष्टि लाओ इस ओर माधव, बहुत विनती करूं तुसे, माधव बहुत विनती करूं तुसे, माधव मेरे माधव, माधव। सन्यासी, सन्यासी,
मैं देवदासी हूँ, सामान्य देवदासी। आप मेरे देवता हैं, मेरे प्रभु हैं। आपके चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर करना चाहती हूँ। सुरियाभूत समप्रभम् मेघो श्यामं चतुर्बाहु कुशलं कमलेक्षणं वरेण्यं वरुदं विष्णुं मानदं वसुधेजं ईश्वरं सर्वभूतेशं वन्दे भूतमयं। मैंने सब देखा है देवदासी, तुम जगन्नाथ को समर्पित देवदासी हो। तुम्हें जगन्नाथ को छोड़कर और किसी को समर्पित होने का अधिकार नहीं है। इसके लिए तुम्हें दंड मिलेगा। दंड देंगे? हाँ दीजिए, पर मुझे ज्ञात हो गया है कि महाप्रभु ही नर रूप में जगन्नाथ है। महाप्रभु, महाप्रभु, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। महाप्रभु का नाम लेकर जो इतना हल्ला कर रहे हैं, मैं उन्हें गिन गिन के मारूंगा। पकड़ो इसको। कल देवदासी का न्याय होगा। जगन्नाथ की प्रधान देवदासी होकर तुम एक सामान्य मनुष्य को पाने के लिए हाँ। अपनी सभी हदें पार कर तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। हाँ हाँ, कड़ी सजा। कोई भी सजा आज मेरे लिए सजा नहीं है। ओहो, देवता को त्याग कर मनुष्य को अपनाया, तुम्हें जनता के समक्ष नाचना होगा। मैं जगन्नाथ की सेविका हूँ, जगन्नाथ के सिवाय मैं किसी के आगे नहीं नाचूंगी। अपने पापी मुख से तुम जगन्नाथ का नाम उच्चारण करती हो। जगन्नाथ प्रभु, भीमपाल प्रभु। 25 कोड़े। रुक जाइए, रुक जाइए। कौन? ओह, राजगुरु काशी मिश्र जी। ये क्या करते हो विद्याधर? जो कुछ भी हो, देवदासी है तो एक नारी। उस नारी ने मंदिर के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध भीषण अपराध किया है। राजा इसका न्याय करेंगे, राजा को वापस तो आ जाने दो। तो सुनो राजगुरु, राजा प्रताप रुद्र अब वापस नहीं आने वाले। वे वापस नहीं आएंगे? नहीं राजगुरु, वे अब वापस नहीं आने वाले। विद्याधर है महाराज। आप प्रताप रुद्र महाराज, जय हो, 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 महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज, महाराज की जय हो, महाराज, महाराज की जय हो, महाराज। तुम्हें जानकर खुशी होगी कि कर्नाटक युद्ध में तुमने जिन लोगों को मुझे मारने के लिए भेजा था वो मेरे ही लोग हैं। मैं छुपकर यही देख रहा था तुम में हिम्मत कितनी है, विश्वासघातक। आपको कुछ गलतफहमी है महाराज। वो हम बाद में देखेंगे। बंदी बना लो इसे, कारागार में डाल दो। देवदासी, मैं तुम्हें जगन्नाथ मंदिर के देवदासी पद से इसी क्षण मुक्त करता हूँ। अब तुम निर्भय हो, तुम जहां भी जाना चाहो जा सकती हो।
सुनिए। कौन? आप आइए आइए। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। मैंने आप लोगों को बहुत गालियां निकाली हैं, बहुत पाप किया है, भीतर नहीं जाऊंगा। तो क्या हुआ, आइए ना। देखिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, आपसे मैं भी हरि बोल बोलूंगा, गाऊंगा, नाचूंगा, आप लोग जो जो करते हैं सब करूंगा। अच्छा, चलो आओ आओ। हाँ चलो चलो चलो। जय महाप्रभु, आपकी जय हो। महाराज, विद्याधर को तो आपने सजा दे दी, पर जिसके कारण ये सब घटना हुई? कौन? वही जो नीलाचल में महाप्रभु बनकर बैठा है। महाप्रभु? महाप्रभु तो केवल जगन्नाथ जी हैं। परंतु सार्वभौम भट्टाचार्य के जन ये है तो नहीं कहते? सार्वभौम जी को मैंने बुलवाया है, वह सन्यासी उन्हीं के घर में रुका है। महाराज, वे छुपे हुए सन्यासी हैं, पर वे नदिया के चोर हैं। चोर? मैंने सुना है कि गौड़ देश का एक सन्यासी आपके घर पर रुका है और अछूतों के बीच में हरिनाम वितरण कर रहा है। लेकिन लोग तो बोलते हैं कि वह सन्यासी अछूतों को साथ लेकर कोई षड्यंत्र रच रहा है और आपका घर ही उस षड्यंत्र का केंद्र है। लोग नहीं बोलते महाराज, विद्याधर और उसके अनुचर कहते हैं। अब कहाँ है वे सन्यासी? उन्होंने नीलांचल त्याग दिया है। त्याग दिया है या भाग गए हैं? वे किस डर से भागेंगे, कोई भय उन्हें छू भी नहीं सकता। अच्छा, कोई भय उसे छू भी नहीं सकता? नहीं, वे तो नर देह में भगवान हैं। पतितों के उद्धार हेतु ही उन्होंने अवतार लिया है। वे मेरे इष्ट हैं, परम आराध्य हैं और वे ही मेरे सर्वस्व हैं। आप तो भारत के श्रेष्ठ वेदांती हैं, आप पागलों जैसी बातें क्यों कर रहे हैं? कहां गए हैं आपके ईश्वर? वे दक्षिण भारत की यात्रा में गए हैं। मैं उन्हें मिलना चाहूंगा, शीघ्र ही। सुमंत्र, सुमंत्र। जी महाराज। इसी समय तुम दक्षिण की ओर चले जाओ और जैसे भी हो उस सन्यासी का समाचार लेकर आओ। और सुनो, विद्यापुर में मेरे प्रतिनिधि राय रामानंद को कहना। वे तो नीलांचल में हैं, उद्यान में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे यहाँ हैं? महाराज प्रताप रुद्र की सदा जय। बड़े सही समय पर आए हो रामानंद। आना ही पड़ा महाराज। क्यों, राज्य व्यवस्था तो ठीक है ना? जी महाराज, आपकी कृपा से आपके इस सेवक ने सब व्यवस्था सही रखी है। तो फिर मैं आपसे एकांत में एक व्यक्तिगत प्रार्थना करना चाहता हूँ। बैठो बैठो रामानंद, तुम केवल मेरे प्रदेश पालक थोड़े ही हो, मेरे मित्र हो, विद्वान पंडित हो, रसिक हो, मैं तुम्हारा बहुत सम्मान करता हूँ। मैं जानता हूँ महाराज, उसी मित्रता के वास्ते ही कहने आया हूँ कि मुझे राज्यपालन कार्य से मुक्त करें। क्या बोल रहे हो रामानंद, दक्षिण में तुम ही मेरी प्रधान शक्ति हो, मैं कैसे तुम्हें मुक्त कर सकता हूँ? राज्य का कार्य मुझे अब अच्छा नहीं लगता महाराज। जब भी मैं ध्यान में बैठता हूँ, एक सुंदर सन्यासी मेरे सामने आता है। एक दिन मैंने देखा वह मेरे द्वार पर खड़ा है और कहने लगा, नीलांचल से मैं तुम्हारे ही लिए आया हूँ रामानंद, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। नीलांचल से? वो क्या गौड़ देश का सन्यासी है?
हाँ महाराज, उसी को तो मैं ढूंढ रहा हूँ। मुझे देखना है उसकी शक्ति को, उसके सम्मोहन को। उसने सार्वभौम को मुझसे छीन लिया, तुम्हें भी मुझसे छीन लिया, मेरे राज्य में मुझे ही नहीं मानता। कहाँ है वो सन्यासी? विद्यापुर छोड़कर वे दक्षिण की ओर अकेले बढ़ रहे हैं। मुख में केवल नाम है। राम राघव रक्षमाम 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 ईश्वरते सब कृष्णते सब कृष्णते सब पाही माम पाही माम पाही माम पाही माम राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमाम 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 द्वारपाल द्वारपाल। क्या हुआ महाराज? वो सार्वभौम का दल रास्ते में कीर्तन कर रहे हैं। कहाँ हैं वे? यहाँ से तो कोई नहीं गया, दिन में भी सपना देख रहे हैं महाराज। नहीं नहीं, मैंने साफ साफ सुना है, समुद्र की गर्जना के समान वो जोर जोर से गा रहे हैं। अगर यही बात है तो जो कीर्तन करके आपकी अवज्ञा कर रहे हैं उन्हें आपने बंदी क्यों नहीं बनाया? हाँ हाँ हाँ, वही करूंगा, मैं उसे बंदी बनाऊंगा। मुझे मेरे ही राज्य में उसने चुनौती दी है, भगवान बनकर मेरी प्रजा को गुमराह कर रहा है। इसीलिए हर समय उन्हीं के विषय में सोच रहे हैं, रात को स्वप्न में भी उनका नाम पुकारते हैं। किसने कहा? क्यों, मैंने सुना है। तुमने सुना है? हाँ सुना है। हाँ, मेरी सारी रात उसने ध्वंस कर दी, बिगाड़ दी है। अगर उसे मैंने देख लिया तो राजद्रोह में उसे बंदी बनाऊंगा, उस अपराध में उसे बंदी बनाऊंगा, निश्चित ही उसे बंदी बनाऊंगा। हाँ, उस अपराध में उसे बंदी बनाऊंगा। सुनो सुनो नीलाचल के वासियों, महाराजा प्रताप रुद्र का आदेश है, यदि चैतन्य नाम का सन्यासी यहाँ पर दिखाई पड़ा तो उन्हें बंदी बनाया जाएगा। सुनो सुनो नीलाचल के वासियों, महाराज का यह आदेश है कि नीलाचल के रस्तों में कोई भी अब नाम संकीर्तन नहीं करेगा। हम राजा का यह आदेश कदापि नहीं मान सकते। आप हमें आदेश दें, हम फिर नगर संकीर्तन के लिए जाएंगे। देखते हैं राजा प्रताप रुद्र कितना अत्याचार कर सकते हैं। देखो तो, तुम लोग बेकार में उछल कूद कर रहे हो। राजा प्रताप रुद्र ने क्या कहा है सुना तुमने? वे हम तुम जैसे छोटे मोटे को नहीं पकड़ेंगे, वे तो महाप्रभु को ही पकड़ना चाहते हैं। मुझे लगता है सच में राजा प्रताप रुद्र पगला गए हैं। ये बात तो आप ही कह सकते हैं, क्योंकि हम सब में आप ही उन्हें अच्छे से जानते हैं। संकीर्तन सुनते ही वे आतंकित हो जाते हैं, बिना सोचे समझे सैनिकों को कहते हैं कि महाप्रभु को पकड़ कर लाओ। ऐसे व्यक्ति का आदेश आप हमें मानने को कहते हैं? तुम जो कह रहे हो वह मैं समझता हूं, फिर भी मेरा निवेदन है, जब तक महाप्रभु नहीं आ जाते तुम सब प्रतीक्षा करो। मेरा दृढ़ विश्वास है कि वे शीघ्र ही लौटेंगे। प्रताप रुद्र का आतंक ही शायद उन्हें आकर्षित कर यहां ले आए। प्रताप रुद्र, कौन? मैं आ गया हूं। कौन कौन हो तुम? मैं तुम्हारे पास बंदी होना चाहता हूं। कौन कौन हो तुम? बंदी बनाओ। रुको रुको,
रुको रुको रुको। महाराज सन्यासी नहीं आए। नहीं आए? मेरा आदेश उन्हें बताया था। जी महाराज, उन्होंने कहा अपने राजा से कहो कि सन्यासी राजा के दर्शन नहीं करते। इतनी हिम्मत, बंदी बनाकर क्यों नहीं लाए उसे? वे राजगुरु काशी मिश्र जी के घर हैं। वहां से मैं कैसे? समझा। राघव कहाँ है महाराज? राजगुरु, मेरा आदेश आपने ना मानकर उस सन्यासी को अपने घर में आश्रय दिया। मैं उन्हें आश्रय दूंगा? नहीं नहीं, वे कृपा करके आए हैं यहाँ। उनकी कृपा तो अनंत दिखाई देती है। कृपा करके ही उन्होंने सार्वभौम रामानंद आप सबको मुझसे अलग कर दिया। उन्हीं की कृपा से मेरी सेना और प्रजा विद्रोही हो गई। असीम है उनकी कृपा। कृपा, कहाँ है वो सन्यासी? महाराज प्रताप रुद्र, तुम हाँ, तुम ही तो मेरे सपने में आते हो। आज सही अर्थ में मेरा नीलाचल आना सफल हुआ। क्या चाहते हो तुम? तुम्हें? मुझे? मैं दूसरों की तरह भावुक नहीं हूँ कि तुम मुझे वाक चतुर्य से मोहित कर लोगे। मैं राजा हूँ, मुझे शासन करना होता है, अपराधी को दंड देना होता है। मैं आया हूँ तुम्हें दंड देने और तुम्हें बंदी बनाकर ले जाऊंगा। मैं तो तैयार हूँ प्रताप रुद्र, लेकिन एक शर्त है। शर्त? क्या शर्त? तुम मुझे तब तक मुक्त नहीं करोगे जब तक मैं ना चाहूं। कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? नहीं नहीं, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। मेरे प्रभु एकमात्र जगन्नाथ हैं। हाँ, वो ही मेरे महाप्रभु हैं। महाराज, रथ नहीं चल रहा है। रथ नहीं चल रहा? आश्चर्य, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। ये तो महाअशुभ है प्रभु। Jai 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 Jai
चलेगा, रथ अवश्य चलेगा। अच्युत कहकर जिन लोगों को भगवान जगन्नाथ की सेवा के अधिकार से अब तक वंचित रखा, उन्हें रथ की रस्सी पकड़ने दो और सब मिलकर जोर से कहो, हे भगवान जगन्नाथ, आज तक मनुष्य का अपमान करके हमने भगवान आपका ही अपमान किया है, इसलिए आज हम सब एक साथ आपके समक्ष आकर उस पाप का प्रायश्चित करते हैं। मनुष्यों का भगवान आज मनुष्यों को ही बुला रहा है, आओ आओ पास आओ, तुम सब रथ की रस्सी पकड़ो। जय महाप्रभु, मैं आपका दीन सेवक हूं। त्रिनादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानीना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। विनम्र रहकर सहनशील बनो, दूसरों को सम्मान दो और सदैव हरि नाम करो, यही जीवन का सार है। हे प्रभु, मेरा मनुष्य जीवन अब सार्थक हुआ। चलते हैं नित्यानंद, फिर एक साल बाद मिलेंगे। नाम जपते जपते साल यूं ही निकल जाएगा, चिंता की क्या बात है। क्या तुमने भी बंगाल छोड़ दिया? अरे काशी मिश्र जी ने बड़े प्रेम से अपने घर में हमें शरण दी है। नहीं नहीं, आपके चरण मेरे घर पे पड़े हैं, मैं ही धन्य हो गया हूँ। पर आपका महाप्रभु को छोड़कर यूं बंगाल चले जाना, यही तो कहिए ने, कहिए। नित्यानंद, महाप्रभु आपको गंभीरा में बुला रहे हैं। मुझे? मैं अभी आता हूँ। प्रभु, तुम उन वैष्णव भक्तों के साथ बंगाल वापस चले जाओ। नित्यानंद, वापस जाऊं? आपको छोड़कर ये दंड मुझे क्यों दे रहे हो प्रभु? तुम तो जानते ही हो, बंगाली पढ़ने वालों की जाति है, अपने ज्ञान के मद में चूर हैं। अगर तुम नहीं गए तो वे दीवार टूटेगी कैसे? प्रभु, मैं कहता हूं तुम वापस लौट जाओ। बंगाल में जाकर दरिद्र धनवान हिंदू मुसलमान सबको ये प्रेम धन बांट दो। ठीक है, ऐसा ही होगा। क्या तुम अब बंगाल नहीं जाओगे? हाँ जाऊंगा, जननी और जन्मभूमि को एक बार देखने अवश्य ही जाऊंगा। आप मुझे खींचकर पृथ्वी पर लाए थे, अब लौटने का समय भी आप ही निश्चित करेंगे। जाने के समय में क्यों इस बूढ़े को व्यथा दे रहे हो प्रभु? उस दिन की मैं प्रतीक्षा करूंगा, आप तो सभी के मार्गदर्शक आचार्य हैं ना। ओम कृष्णाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। महाप्रभु के आदेश से मुझे भी वापस जाना पड़ रहा है मिश्र जी। तो आप भी जा रहे हैं? जी चलता हूँ। चलो श्रीवास, धूप बढ़ रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हरी बोल हरी बोल। राघव, सभी बंगाल वापस चले गए, तुम क्यों नहीं गए? मैंने कहा ना,
मैं आपको लिए बिना नवदीप नहीं जाऊंगा। मैं कैसे जा सकता हूँ? तो फिर मुझे भी वापस जाने को मत कहिए। मैं कैसे सची माँ और विष्णुप्रिया के समक्ष जाऊंगा? मैं शपथ लेकर आया हूँ। मैं जा नहीं सकता, संन्यास की नियम ऐसे ही हैं। नियम आप ही बनाते हैं और आप ही तोड़ते हैं। जगत के सभी अधम पतित जीवों को आपकी करुणा मिलती है, बस सची माँ विष्णुप्रिया और नवद्वीप के लोगों को नहीं मिलती। एक बार आप उनकी हालत तो देख लो। शांत हो जाओ राघव, मैं जाऊंगा नवदीप। जनों की बोले मुखे होइया निराश, स्वामी बिना आमार किशिर ग्रेवास। तुमी जे परम गुरु, तुमी जे देवता, तुमी जाओ जथा प्रभु, आमी जाई तथा। केवल पोथी के संग रहने से चलेगा? क्यों शान, क्या हुआ? लोगों की मृत्यु होती है, मेरी क्यों नहीं होती, बताओ। छी छी छी। क्या छी छी, आप तो दिन रात भागवत रामायण के पाठ में रहती हो और घर की लक्ष्मी आपकी सेवा में। पिता उन्हें लेने आए पर वो नहीं गई। क्यों, किस लिए वे यहाँ है, यहाँ रहती है? जिसके लिए वो है वो तो उन्हें याद नहीं करता। चौबीस घंटे इस नीम के नीचे रहती हो, पेड़ सर पर गिरेगा ना तो मुझे शांति होगी। बहू बहू,
कहाँ हो? ये लो तुम्हारी नीम की लकड़ी। नीम लकड़ी? हाँ हाँ, इस लकड़ी का क्या होगा पता? उसको पूछो, गौरांग की मूर्ति बनाएगी गौरांग की। तो घर पर भी तो नीम का पेड़ है, उसकी एक डाल तोड़ लो। हाँ हाँ काट लो, एक डाल क्यों, पूरा पेड़ काट लो। इतना बिगड़ते क्यों हो? घर के पेड़ की अगर एक टहनी भी टूट जाए तो ईशान रोने लगता है। रो रहा हूँ? किसने कहा तुमसे? मैं तो बस मरना चाहता हूँ। इसी दुख के कारण यहाँ आने का मन नहीं करता, दुख से हृदय फट जाता है। पता नहीं तुम लोग यहाँ कैसे रहते हो, तुम्हारी सासू माँ कहाँ है? वे तो घर पर बहुत कम रहती हैं। बिल्कुल जैसे कृष्ण विरह में माँ यशोदा। अरे मुझे कुछ कह रही हो क्या सुबल की माँ? कृष्ण क्या केवल मेरा है? वो तो सबका है। कहाँ गई थी तुम? मैं ये ओढ़नी बना रही हूँ, मेरे हाथ की छोड़कर निमाई और कोई ओढ़नी नहीं ओढ़ता। धागा खत्म हो गया था इसलिए गली गली घूमकर धागा इकट्ठा कर रही थी। भजे गौरांगा कह गौरांगा लह गौरांगेर नाम रे, जय जन गौरांग भाजे से होए आमर प्राण रे। भजे गौरांगा कह गौरांगा लह गौरांगेर नाम रे, जय जन गौरांग भाजे से होए अमर प्राण रे। भजे गौरांगा कह गौरांगा लह गौरांगेर नाम रे, जय जन गौरांग भाजे से होए अमर प्राण रे। भज गौरांगा कह गौरांगा लह गौरांगेर नाम रे। भज गौरांगा कह गौरांगा लह गौरांगेर नाम रे। भज गौरांगा कह गौरांगा लह गौरांगेर नाम रे। चेतना गौरांगा भाजे से हावे मोरा प्राण रे। चेतना गौरांगा भाजे से हावे मोरा प्राण रे। भज गौरांगा कह गौरांगा लह गौरांगेर नाम रे। चेतना गौरांगा भाजे से हावे मोरा प्राण रे। भज गौरांगा सची माँ, सची माँ। कौन? श्रीवास। हे माता, आपने सुना क्या? प्रभु आए हैं, आपके निमाई। निमाई? मेरा निमाई? सच कह रहे हो, मेरा निमाई वापस आ गया है? हाँ, वाचस्पति जी के घर में है वो, पूरा नवदीप उमड़ पड़ा है उन्हें देखने के लिए। वाचस्पति के घर में? जानती हो प्रभु क्यों आए हैं? सिर्फ तुमसे मिलने के लिए माँ। मुझसे मिलने के लिए? मुझसे? हाँ, बहू 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 बहू, सुना तुमने, मेरा निमाई आया है मुझसे मिलने, चलो हम दोनों चलते हैं। माँ, पत्नी से मिलना सन्यासी के लिए निषेध है। तो फिर आप जाओ माँ। हैं? मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जाऊं?
चलो माँ। देर मत करिए माँ, अगर वे चले गए तो। नहीं नहीं, मैं जाती हूँ बहू, मैं जा रही हूँ। अगर वो चला गया तो। नहीं नहीं, मैं जाती हूँ बहू, मैं चलती हूँ। हाँ मैं जा रही हूँ। विश्व ब्रह्मांड के सभी लोग उनके दर्शन कर सकते हैं, केवल विष्णु प्रिया नहीं कर सकती। नहीं वाचस्पति महाराज, सन्यास की विधि बड़ी कठोर है। आखिरी बार मैं अपनी जननी और जन्मभूमि को देख जाता हूं। मां को क्या किसी ने सूचना भेजी? निमाई, 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 निमाई। माँ, माँ। नहीं नहीं, तुम तो तभी के महाप्रभु हो। मैं तुम्हारा निमाई हूँ, तुम मेरी माँ हो। ये नरदेह भगवान का सर्वश्रेष्ठ दान है, ये मुझे तुमसे ही प्राप्त हुआ है। ये नरदेह सबसे ऊंचा मंदिर है, उस मंदिर की आप देवी हो। निमाई माँ, निमाई मा? निमाई, मेरा निमाई। आप कौन? मैं विष्णु प्रिया हूँ। सार्थक हो तुम्हारा नाम विष्णु प्रिया? नहीं, मैं गौरांग प्रिया हूँ। गौरांग ही मेरे इष्ट हैं, गौरांग ही मेरे ईश्वर हैं, गौरांग ही सर्वस्व हैं। हरी बोल, हरी बोल। लो ये भिक्षा ले लो। ना माँ, और आवश्यकता नहीं है, आज के लिए हो गया। तो इतनी कड़ी धूप में तुम किस कारण से घूम रही हो? उनके दर्शन के लिए। बस एक बार उनके दर्शन हो जाए। जब से वृंदावन से आए हैं ठाकुर जी बिल्कुल बदल गए हैं, तभी डर लगता है।
पता नहीं कब वापस चले जाए। हरि बोल हरि बोल। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। हा कृष्ण हा कृष्ण कृष्ण हा कृष्ण। जैसे कोई सामान्य व्यक्ति हो। कहाँ गया वह तेज, वह धर्म प्रचार का उत्साह, केवल रोते रहते हैं। हाँ कृष्णा, हाँ कृष्णा। वही तो सोच रहा हूँ गोपीनाथ, मैंने चरण पकड़कर इतना बोला पर वे मुझे पहचान भी ना पाए। किसे पहचान रहे हैं वो? चाहे राजा प्रताप रुद्र हो या सर्वभौम ठाकुर, किसी को भी तो नहीं पहचान रहे। कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है मेरे प्राणना, कहाँ है? ये क्या गोविंद, तुमने कुंडी क्यों लगाई? ऐसे तो प्रभु को रोकना असंभव है, इसलिए दरवाजा बंद करके पूरी रात यहीं बैठकर पहरा देता हूँ। आप चिंता ना करें, रात हो गई है, आप लोग जाइए। गोविंद गोविंद। ओह सब ठीक है।
कोई आवाज नहीं आ रही। प्रभु क्या शयन कर रहे हैं? देर रात तक कृष्ण नाम कर रहे थे, उसके बाद शायद सो गए। रहने दो, तुम मुंह हाथ धो लो, मैं हूं यहां। गोविंद, प्रभु, उफ, जो डर था वही हुआ। खड़े मत रहो, जाओ लोगों को बुलाओ, महाराज को संदेश दो, मैं समुद्र के किनारे देखता हूं। क्या कह रहे हैं, महाप्रभु नहीं मिल रहे? कहां गए वे? जी भोर में तो घर में ही थे, पता नहीं कहां निकल गए। जाएंगे कहां, नीलाचल में तो सब उन्हें पहचानते हैं। सभी उन्हें ढूंढ रहे हैं महाराज, पर वृंदावन से लौटने के बाद उनकी अवस्था बड़ी गंभीर है, भय लगता है कहीं कुछ हो ना जाए। नहीं नहीं, मैं चारों ओर लोगों को भेजता हूँ, आप लोग लौट जाइए, मैं अभी आता हूँ। महाप्रभु को देखा आपने? हाँ हाँ देखा, समुद्र में जाल फेंका और सोने जैसे मनुष्य बाहर आया, आइए दिखाता हूँ। हाँ कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है वृंदावन के स्वामी, कहाँ है वृंदावन? हाँ कृष्ण, हाँ प्रभु, कहाँ है वृंदावन के स्वामी? प्रभु, प्रभु आप यहाँ हैं? मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ। कृष्ण, चलो प्रभु, चलो घर चलते हैं, चलो चलो प्रभु। हे प्राणनाथ, दर्शन दो मुझे। महाप्रभु मिल गए हैं। मिल गए? हाँ, गोपीनाथ उन्हें ला रहे हैं। ओ हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण। महाराज, क्या खबर है रामानंद, इतने चिंतित क्यों हो? महाप्रभु क्या? नहीं नहीं, वे तो गंभीरा में ही हैं। बंगाल से अद्वैताचार्य का पत्र लेकर एक व्यक्ति आया है। कैसा पत्र? वही बता रहा हूँ महाराज, पत्र पढ़कर महाप्रभु स्थिर हो गए, बस थोड़ा हंसे, फिर धीरे धीरे गंभीरा में चले गए, दरवाजा बंद कर शांत बैठ गए। क्या अब भी वही भाव है? मुझे भय लग रहा है, इसीलिए आपके पास दौड़ा आया। चलो चलो, मैं भी देखना चाहता हूं उस पत्र में है क्या। बाउल के कहियो लोक के होई लो बाउल, बाउल के कहियो हाटे ना बिकाऊ जाऊ, बाउल के कहियो काजे नाही का आउल, बाउल के कहियो इहा कही अच्छे बाउल। इस पत्र का अर्थ कुछ समझ नहीं आया रामानंद। हमें भी कुछ समझ नहीं आया महाराज। सावधान, सभी सावधान हो जाओ, समय हो गया है, अब समय हो गया है। मैं पहचान गई, मैं पहचान गई। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। रामानंद, मेरे मन में हलचल हो रही है, तुम चारों पहरी की व्यवस्था कर दो।